Now turbulent flow, that is critical velocity of a liquid. If all particles of the liquid passing through a particular point in the tube move along the same path, the flow of liquid is called streamlined flow. क्या कहा है? If all particles of liquid passing through a particular point in the tube move along the same path, जैसे ये चल रहा है तो ये सेम पाथ पर चल रहा है, ये सेम पाथ पर पार्टिकल चल रहा है, सेम पाथ पर चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे streamlined flow. And this occurs only when the velocity of flow of liquid is below a certain limiting value, called critical velocity. ऐसा तभी होता है जब इन लिक्विड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है ये कम है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, VC, C for critical, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर कम है तभी आपका ये फ्लो क्या होगा, स्टीम लाइन फ्लो होगा. नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एक्सीड्स द क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी अगर इन लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी V इज ग्रेटर देन VC, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एक्सीड्स द क्रिटिकल वेलोसिटी, द फ्लो इज नो लॉन्गर स्ट्रीमलाइंड बट बिकम्स टर्बुलेंट, तो ये फ्लो क्या कहलाएगा, ये टर्बुलेंट फ्लो है. और इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द मोशन ऑफ द लिक्विड बिकम्स जिगजैग. ये देखिए, एक लिक्विड पार्टिकल इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एंड तो ये जिगजैग मोशन हो गया. दिस टाइप ऑफ फ्लो द मोशन ऑफ द लिक्विड बिकम्स जिगजैग एंड इड्डी करेंट्स आर डेवलप्ड. ऐसा लगता है इसमें प्रेरित धाराएं पैदा हो गई हैं, इड्डी करेंट्स पैदा हो गई हैं, ऐसा लगता है. तो जनाब खास चीज कि अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट या जिगजैग फ्लो होगा. नाउ रेनॉल्ड प्रूव्ड दैट क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर ए लिक्विड हैविंग इन ए फ्लोइंग इन ए ट्यूब. रेनॉल्ड साहब ने बताया कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी VC है ये होती है ईटा के अपान रोए, ईटा पर बैठ के रोए, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ईटा के अपान रोए, जहाँ पर रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ईटा है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ए है रेडियस ऑफ द ट्यूब, और के कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर. नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, एक बार फिर से वही चीज हमने कही है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय विस्कोसिटी. यानी जब V इज लेस देन VC मीन्स स्ट्रीमलाइंड है, तो उस समय जो फ्लो ऑफ लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लो ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय द विस्कोसिटी, द डेंसिटी हैविंग नो इफेक्ट ऑन इट, डेंसिटी कोई रोल नहीं होता है. बट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लार्जर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हेन V इज ग्रेटर देन VC, देन द फ्लो इज मेनली गवर्न्ड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट. तो अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो उस समय फ्लो ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय विस्कोसिटी, और अगर टर्बुलेंट फ्लो है देन फ्लो ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड.